हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप जब कैसे हैं गाना जी, कितने से आप जब ठीक होंगे। और मिले डुला डुल उठ गए और आज है अब बाबू उठ के बैठ गए, अब स्नान करेंगे। ये देखिए जो ना बच्चे आराम से उठ गए हैं, अब बैठे हैं थोड़ी देर। ओहो लाडू टेढ़ी टेढ़ी कहा देखता मेरे बेटी यार देखते हैं। तो अब मैं इनको स्नान कराऊंगी, फिर वस्त्र बनाऊंगी, फिर श्रृंगार करूंगी। तो आपसे मिलती हूँ, जय श्री राधे कृष्णा। और देखिए हमने इनको ड्रेस बना दी है लाडली को गोपी को। और ये बेटे गोपोर गोपी बैठे हैं, और मैं अभी दिखाती हूँ। और यहाँ ये बैठे हैं गोपू लड्डू और लाडली, आज के नाम में कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो बस अब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। मैंने सोचा कई टाइम से रिक्वेस्ट आती थी श्रृंगार वीडियो की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब मैं इनका बर्थडे का श्रृंगार करूँगी। मेरे लड्डू ये है, इनका बर्थडे है 1 तारीख का, तो मुश्किल हो जाएगा श्रृंगार वीडियो डालना। इसलिए मैंने सोचा आज तो दिखा दूँ 81 पे श्रृंगार हुआ है। ये वीडियो तो शायद अगले दिन डलेगी ना। और अब मैं ये लड्डू गोपू को तो ये वाले पहनाऊँगी जिसकी वीडियो मैंने डाल दी थी, मैंने शॉपिंग की थी। ये देखिए, और लाडली गोपी को ये वाले पहनाऊँगी। ये देखिए निकाल लिया मैंने, ब्लिंक कितना कर रहा है ना, देखो चमक रहा है। तो मैं पहनाती हूँ, ये देखिए। अब मैं पास में कैमरा ले जाती हूँ। तो पहले लेडीज़ फर्स्ट, गोपू को फर्स्ट कर दे, नहीं गोपू भी गोपी को फर्स्ट देख के कुछ होता है ना गोपू बाबू। अब पहले मंगलसूत्र पहना देती हूँ उनको, तो सेटिंग ठीक बैठेगी। राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। ये देखिए इस तरह से मैं इनको पहना दूंगी। ये देखो, तो यहाँ से मैं बांध देती हूँ लाडली को गोपी को, दोनों को यही यही पहनाएंगे, है ना बिटिया। आहा अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखो मैंने इनको पहना दिए हैं ये वाले। देखिए मैं गोपू को पहना देती हूँ। तो गोपू पहनेगा तो, क्योंकि कपड़े इतने मोटे हैं ना, तो ये सब पहनने पहनाने में दिक्कत होती है। थोड़ा नीचे करके पहना देती हूँ, है ना गोपू पहन ले बेटा, ऐसे पहन लेता है गोपू तो ऐसे ही पहन लेता है बच्चे। हाँ थोड़ा लूज करके बना देती हूँ। ये देखो गोपू ने पहन लिया, तो गोपू गोपू ने ही पहन लिया। अब इनको नथ लगा देती हूँ। ये देखो अब पहन ली लाडली ने गोपी ने, अब मैं इनके बाल लगा दूँगी दोनों बच्चों के। और मैं यही बाल लगाऊँगी, ये देखिए जो पहले के, तो उसे लगाना ज़्यादा स्टाइल वगैरह मैं नहीं करी, इसी से इतना अच्छा लग जाते हैं, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी गोपी तो ऐसी चुनने लग जाती है बाबू जी। देखिए ऐसे लगा दिए, अब रेडी हो चुका है गोपू और मैं लगा दूँगी, क्योंकि ऊनी वस्त्र पर ज़्यादा उसको श्रृंगार कर लूँगी बाबू का। और आज गोपी ने और लाडली ने पहना अपना फेवरेट कलर ब्लू, क्योंकि राधा रानी का फेवरेट कलर है नीला नीला सुंदर सा नीला। और गोपू लगा लेगा ये तिलक भी, क्योंकि फिर चंदन लगाने मुश्किल होती है, तो थोड़ा सा नीचे चंदन लगाऊँगी जब पूजा करूँगी, जब मैं ऊपर बिठा दूँगी मंदिर में। तो ऐसे ये लगा दिया है, अब लगा दूँगी मोर मिलती है। ये न्यू थी, बिल्कुल नए कपड़े पहनाए हैं आपको, मैंने शॉपिंग वीडियो में दिखाया ही होता। तो ये देखिए, तो इतने भी सिंपल सोवर में सब मेरे बच्चे अच्छे लग रहे हैं। तो बस रेडी हो चुके हैं, और गोपू को लगा दूँगी मोर पंख। सुंदर सा बच्चा, सुंदर सा पंख लगाएगा मेरा बेटी। तो जी ये गोपू और गोपी रेडी हो गए हैं। बंसी मैं जब ऊपर बिठा दूंगी, जब मैं रख दूंगी इनके पास, मैं आराम से मन करती हूँ तब रख देती हूँ। और अब आते हैं गोपू लड्डू और लाडली पे। तो देखिए जी ये श्रृंगार हो चुका है, कैसे लगा जरूर से बताना मेरे गोपू गोपी का। जय श्री राधे। अब मैं पहना दूंगी लाडली को मंगलसूत्र, तो मैं ये बनाती हूँ। हाय हाय मेरी लाडो,
मेरी राजकुमारी है, मेरी श्री जी है, श्री श्यामल। लड्डू को ये पहना देते हैं तो लड्डू गोपू बनना बन क्या हो रहा है मुझे है ना, यही बुलवा रहे मेरे मुझसे ऐसे, इनको वो बनना है, उनको वो बनना है, एक तो है ही हो तुम। अच्छा ठीक है, देखो लड्डू बाबू भी पहन लिया, ज़्यादा मैंने कसा नहीं क्योंकि ऊन पे बहुत मुश्किल हो जाता है पहनाना मोटे मोटे कपड़ों पे, तो जब अभी पूरा रेडी हो जाएंगे ना जब ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। ठीक है जी, और अब मैं इन्हें पहना दूँगी बाल, इनके बाल पहना देती हूँ, और स्टाइल करने मुझे टाइम लगता है इसलिए मैं ये नॉर्मल बाल बस ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे लगते हैं, और ये लड्डू तो पहनता ही यही वाले बाल है, और ये रे वो बाल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया, मुझे मैसेज फ़ोन आ गए थे वहाँ से कि दीदी बहुत सब अच्छा, सबको बहुत पसंद आ रही है हेयर, तो वो बेटा भी मुझे थैंक यू बोल रहा था, तो ये देखिए इस तरह से देखो कितना सुंदर लुक आ गया, क्योंकि ये इतना हैवी क्वालिटी के होते हैं और मोटे मोटी लेयर बनी होती है तो बहुत अच्छा सा सिंपल में भी इतना अच्छा लुक आता है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और पीछे मैं टक कर दूँगी, तो देखिए अब मैं बाल लगा दूँगी, बाल कह रही हूँ कैप लगा दूँगी अरे जो क्या हो रहा है पता नहीं और मैंने लाडली के केश मतलब खुले ही रह दिए क्योंकि कैप इन पे बहुत सुंदर, क्योंकि इनका चेहरा लंबा है तो मुझे कई बार सोच समझ के इनका स्टाइल बनाना पड़ता है क्योंकि लंबे चेहरे के हिसाब से बनाती हूँ फिर मैं। देखो कितनी सुंदर लगती है मेरी बच्ची, कितनी छुन्नी बच्ची है, किसी की छुन्नी बच्ची होती है छुन्नी जी। अब मैं मोर पंखी लगा दूँगी, तो मोर पंखी बटे तो कहाँ लगवाएगा, यहाँ बीच में साइड में अच्छी लगती है मुझे तो, पता नहीं ज़्यादातर तो ये देखो। और अब कड़े रह गए, अपना अपना भाव है प्रेम है क्योंकि जैसे माँ को अपने ही बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं वही वाला हाल है, बाकी देख सब एक से बढ़कर एक है, सब बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, मैंने कई बार देखा भी है तो अच्छा लगता है, और लाडली तो लाडली है, श्री जी है हमारी श्री जी, तो ये मैं यहाँ कर दूँगी, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, और ऐसे ही मैं कर दूँगी इधर इनके सेट से मैच करता हुआ ऐसे, ताकि थोड़ा सा हैवी सा लुक आ जाए। तो देखिए ये मेरी लाडली और लड्डू तैयार हो गए हैं, और इनको भी यहाँ पकड़ा के दिखा देती हूँ, वंशी वैसे तो ऊपर ही बिठाना है मुझे, तो ये देखिए तो मेरा लड्डू भी रेडी हो चुका है, और बाल आगे कर दो थोड़े से, ये देखिए तो लड्डू रेडी हो चुका है, अभी ये बिस्तर पे बैठे हैं तब लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाता है, और ये मेरी लाडली ये छोटी सी प्यारी सी सिंपल सोबर में भी इतनी सुंदर लगती मेरी बेटी, ये देखो तो सिंपल सोबर श्रृंगार है और फिर भी बहुत सुंदर है, और इधर आ जाते हैं गोपू और गोपी पे, तो कंप्लीट हो चुका है, बट ये कैसे रह जाएंगे फिर इनको भी लगाना पड़ेगा है ना बेटा, अब यहाँ भी लगा देते हैं हम, सुंदर बच्चा लगेगा मेरा बेटा प्यारा सा। तो आपके पास कुछ भी सामान हो आप उसे थोड़ा सा दिमाग लगा के सब चीज़ अच्छा सा स्टाइलिश कर सकते हो और भी सुंदर लगता है। अब ये कैप मेरी बेटी कितनी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ थोड़ा सा छोटी लगे, अब मैं इनकी लिपस्टिक लगा दूँगी। ठीक है, गोपू के तो लगी हुई है, गोपी की भी लगी हुई है, लड्डू की लग रहा है थोड़ा सा मुझे, हाँ लड्डू की हल्की हो जाती है, लड्डू तो बहुत जल्दी सब कुछ जूझ बूझ सब कुछ पी लेता है, सब कुछ जल्दी जल्दी पिष्टिक हजा देता है, जैसे मैया की भी हट जाती है जल्दी से, देखो इस तरह से हमने शेप दे दी है। ठीक है जी, अब वो अभी लड्डू का तिलक रह गया वो भी देख लूँगा, और लाडली के भी लगा दिया है, और जैसे मैं सिंदूर अपने लगाती हूँ ऐसे ही मैं ऐसे कर देती हूँ शेप सी वो भी तो पूरा ढक के बैठी है, चिपकन लगा लिए मैंने इसके पीछे, कई लोग बार बार पूछते हैं तो
तो ये चिपकन आ जाती है श्रृंगार की शॉप से, मोम जैसी होती है। और एक ब्लू टेक आप ले सकते हो स्टेशनरी की शॉप से, उससे भी आप चिपका सकते हो, ठीक है जी। वो ऐसी होती है जो स्टेशनरी की शॉप से ले सकते हो। ये देखिए, तो ये आप चिपका सकते हो, ठीक है जी। श्री राधे जरूर से बताना आपको कैसी लगा इनकी श्रृंगार। श्री राधे।